नवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले को उच्च शिक्षा के मंदिर की सौगात देंगे। इस ज्ञान मंदिर में इसी सत्र से शैक्षिक आराधना भी प्रारंभ हो जाएगी। 13 अक्टूबर को जंगल कोड़िया के रसूलपुर में बने महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों लोक शिक्षा सेवा को अर्पित किया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 मई 2018 को जिले के तीसरे राजकीय महाविद्यालय के रूप में महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय की आधारशिला रखी थी। अब यह बनकर तैयार है और उच्च शिक्षा का उजाला फैलाने को तत्पर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य कक्षाएं चलाने की पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। यहां कला संकाय में अब तक प्रथम वर्ष के लिए 260, विज्ञान संकाय में बीएससी बायो के लिए 60 और बीएससी मैथ के लिए 40 छात्रों ने प्रवेश लिया है, जबकि वाणिज्य संकाय में 50 छात्रों ने प्रवेश लिया है। यह कॉलेज आसपास के क्षेत्र की उन बालिकाओं के लिए वरदान साबित होगा जो कतिपय कारणों से अधिक दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करने में दिक्कतों का सामना करती थी। पठन पाठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश के साथ 14 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। सभी ने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। शिक्षकेतर कर्मचारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। 13 अक्टूबर को होने वाले लोकार्पण समारोह के मद्देनजर उच्च शिक्षा अधिकारी ए.के. मिश्रा, राजकीय निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर डी.बी. सिंह व राजकीय कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश तैयारियों में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राजकीय महाविद्यालय इंदुपुर गौरी बाजार के प्राचार्य उदय भान और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी अश्वनी मिश्रा ने कहा। डॉक्टर उदय भान, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय इंदुपुर गौरी बाजार। क्षेत्र के बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। आप इस परिक्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को अगर देखें तो यहाँ से 10 किलोमीटर के परिधि में कोई महाविद्यालय नहीं है और ये महाविद्यालय ग्रामीण अंचल में स्थित है। सबसे बड़ी बात, यहाँ एक साथ तीनों फैकल्टी खुल रही है, विज्ञान के बच्चे, वाणिज्य के बच्चे और कला संकाय के बच्चे लाभान्वित होंगे और साथ ही साथ इनको खेल की सुविधा प्रदान करने हेतु स्टेडियम का भी निर्माण कराया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त एक मल्टीपर्पज हॉल ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है। कोई भी कार्यक्रम एक साथ महाविद्यालय के सभी बच्चों को बैठा करके या उनको तकनीकी के माध्यम से अगर शिक्षा प्रदान करनी है तो प्रोजेक्टर के द्वारा किसी भी विषय के बारे में एक जगह सभी बच्चों को जानकारी प्रदान की जा सकती है। तो इस तरह से हम देखें
तो इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यह महाविद्यालय बहुत ही लाभान्वित करेगा। 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा ये घोषणा की गई थी कि जंगल कौड़िया में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाए, और इसी क्रम में 2018 21 मई के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस महाविद्यालय का शिलान्यास किया गया था। और इस परिक्षेत्र में उस शिक्षा के लिए महाराणा शिक्षा परिषद के माध्यम से शिक्षा के लिए काम करने वाले ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के नाम पर इस महाविद्यालय का नामकरण किया गया, और यह महाविद्यालय जो है इस जनपद का तीसरा राजकीय महाविद्यालय है, और मैं कहूँ कि प्रदेश का यह अत्याधुनिक राजकीय महाविद्यालय है, जिसमें कि अत्याधुनिक सुविधाओं की सुविधा है, एक छात्रों के लिए छात्रावास है जिसमें 30 कमरे छात्रों के लिए बनाए गए हैं, जिसमें 90 छात्र रह सकते हैं, छात्राओं के लिए 20 कमरे बनाए गए हैं जिसमें 60 छात्राएं रह सकती हैं, और साथ ही एक अत्याधुनिक यहां पे ऑडिटोरियम बनाया गया है जिसमें 462 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। और इसकी खासियत यह है कि इसमें कुछ सीटें हमारी फिक्स रहेंगी, कुछ सीटें ऐसे हैं जिसको हटा के हम खेलने की व्यवस्था कर सकते हैं। यह महाविद्यालय कुल महाविद्यालय के नाम पे कुल 7.85 एकड़ जमीन अधिकृत की गई थी, और इसमें से 3.85 एकड़ पर यह राजकीय महाविद्यालय मान जी के नाम पे, ब्रह्मलीन मान जी के नाम पे स्थापित किया गया है, और 4 एकड़ भूमि पे जो महाविद्यालय के ठीक सटे है खेल विभाग द्वारा एक अत्याधुनिक स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें जो सिंथेटिक ट्रैक है उसका निर्माण कराया जा रहा है, उसमें कुश्ती की व्यवस्था कराई जा रही है, ऑडिटोरियम में बैडमिंटन टेबल टेनिस की व्यवस्था है। यानी मैं कहूँ कि यह महाविद्यालय इस पर क्षेत्र के लिए उस शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा, जहाँ पे उस शिक्षा की जो सोच है कि हम उस शिक्षा को समाज के उस व्यक्ति तक ले जाएं जो हमारे पास आके शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता, उसको हम उसके दरवाजे पर ले आकर शिक्षा दें, तो उसी के क्रम में इस वर्तमान सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी द्वारा ये 13 तारीख को ये सौगात दी जाने रही है, इस महाविद्यालय का लोकार्पण हो रहा है। और साथ में ये खासियत है कि यहाँ पे बड़े महाराज जी ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की एक विशाल प्रतिमा का अनावरण भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना है 13 तारीख को। यह प्रतिमा अपने आप में अद्वितीय है, और उस दिन मैं हमारे उप मुख्यमंत्री, उप शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री, साथ में उनके उच्च शिक्षा की माननीय राज्य मंत्री श्रीमती नीलमा कटियार मैडम, आप दोनों लोग आ रही हैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, तो पूरा हमारा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता है कि आपने इस परिक्षेत्र में जहाँ पे उच्च शिक्षा की में बच्चियाँ दूर तक नहीं आ पाती थी शहर में, उनके दरवाजे पर आपने एक ऐसी सौगात देने जा रहे हैं जिससे इस क्षेत्र का विकास होगा, और उस परिक्षेत्र की जनता आपके प्रति आभार भी प्रकट कर रही है। कि और बच्चों में मैं कहूँ कि इतना उत्साह है कि अभी उद्घाटन होने के पूर्व ही अभी तक 460 बच्चों ने उस महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है, और वहाँ पे 8 विषयों, कला संकाय में 8 विषय हैं, विज्ञान के 5 विषय हैं, वाणिज्य संकाय में 2 शिक्षक आ चुके हैं, कुल 38 पद सृजित किए जा चुके हैं, 15 शिक्षक हमारे तैनात हो चुके हैं, प्राचार्य आ चुके हैं, क्लास 3 पद भर चुकी है, और महाराज जी खुद उस महाविद्यालय पे कई बार भ्रमण करके उसकी गुणवत्ता को उन्होंने चेक किया है कि गुणवत्ता में कोई कमी न रहने पावे। और अभी भी महाराज जी द्वारा निर्देश दिए गए कि इस महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा, क्योंकि ग्रामीण परिक्षेत्र है, वहाँ पे खेल के लिए बच्चों में रुझान देखा गया है, तो वहाँ पे शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से पद सृजन करने का प्रस्ताव भेजा गया है, शीघ्र ही वहाँ पे वो प्रस्ताव से पद सृजित हो जाएंगे, वहाँ पे शारीरिक शिक्षा के रूप में प्राध्यापक तैयार हो जाएंगे, और वह उस परिक्षेत्र में शिक्षा के साथ साथ खेलों के विकास में भी योगदान देगा। और मैं उस शिक्षा विभाग की तरफ से आप सभी को शुभकामना प्रस्तुत करता हूं कि जल्दी ही हमारा महाविद्यालय इस जनपद का एक ऐसा अनूठा महाविद्यालय होगा जिसकी गूंज जो है पूरे विश्व में विद्वान होगी, और ये महाविद्यालय महंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के नाम पे, जिन्होंने खुद उस शिक्षा में बहुत से काम किया है, तो निश्चित ही महाविद्यालय हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।